श्री राम जन्मभूमि अयोध्या अपने त्रेता युगीन गौरव गाथा को साकार कर रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ का पूरा वातावरण और परिवेश ही बदल गया है। अयोध्या नगरी की गलियन, चौबारे और पावन महलों की नायाब नक्काशियों के साथ सरयू नदी का किनारा भी बदल गया है। पूरी अयोध्या नगरी कुछ इस तरह सज गई है मानो अयोध्या स्वर्ग से धरती पर उतर आई हो और ज्योति कलश से छलकती ज्योति के रूप में श्रृंगारिक हो गई है। उत्तर प्रदेश के सरयू तट पर बसी अयोध्या नगरी पीताम्बरी यानी पीले रंग में रंग गई है। मानो पीले गेंदा के फूलों से पुती दीवारें यहाँ की पहचान को सुहावनी बना रही हैं। अयोध्या नगरी समरसता के भाव में कुछ इस तरह सज गई है जैसे रामराज की अवधारणा साकार हो चली हो। कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता साकेत में जो बखान 5वें दशक में हुआ था वो अब साकार होता दिख रहा है। देख लो साकेत नगरी है यही, मिलने धरा पर स्वर्ग से है आ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात जुटकर सारी व्यवस्था को आकार दिलाने के लिए सक्रिय हैं। देश की 51 नदियों का जल और सभी प्रांतों की मिट्टी भी सरयू तट अयोध्या पहुंच चुकी है। चांदी की शिलाएं भी सर्राफा ने और सौंदर्य की पहचान अनुरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के नेतृत्व में तैयार की गई हैं। पुरातन नगरी काशी से बाबा विश्वनाथ के ऊपर पूजित चांदी के शेषनाग, कच्छप और बिल्व पत्र जिनमें श्री राम अंकित है अयोध्या पहुँचा है। 5 अगस्त 2020 का ऐतिहासिक पावन दिन बुधवार के पूर्वान बेला में चेतना प्रधान होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से अयोध्या नगरी में भूमि शिला पूजन संपन्न होगा। 5 अगस्त का दिन विश्व कैलेंडर में भी अंकित हो सकेगा। घर घर पावन दीप जलाने का आह्वान फलीभूत हो सकेगा। घर घर मंदिर मंदिर कम से कम 5 दीपक की ज्योति आलोकित होगी। जय श्री राम। भारत की धरती से आनंद मिले युद्धन के साथ मैं वीरेंद्र मिश्र, ITV USA।